नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मैं हूं नैन्सी। आज हम आपको दिखा रहे हैं डीसी प्रभजोत सिंह व एसपी हामिद अख्तर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि शहर को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम व विभिन्न योजनाओं का जो है बनाया है, और उस योजनाओं के बारे में अभी हम दिखाते हैं प्रेस। सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस के साथियों का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण पे आप पहुँचे हैं। आज का विषय ये है कि पिछले काफ़ी समय से सिरसा निवासियों की ये शिकायत थी कि जो शहर में अतिक्रमण है दुकानों के बाहर, और जो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है उसका बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा था। तो माननीय एसपी साहब ने जब से ज्वाइन किया है तब से एमसी के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया हुआ था जनता को जागरूक करने का, जिसमें के सभी जो हमारे मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनको एसपी साहब ने बुलाया है, एसडीएम साहब ने मीटिंग्स करी हैं और उनको जा करके उनको कहा है कि आप अपना जो सामान है अंदर रखें, और जो लोगों की पार्किंग के लिए, क्योंकि शहर में पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग स्पेसेस हमारे पास जितने हम चयन कर पा रहे हैं वो भी दूसरे विभागों से बिलोंग करते हैं, उनसे बातचीत चल रही है, तो पार्किंग की दिक्कत है तो पीली पट्टी लगवाई गई थी। पीली पट्टी का सम्मान करने के लिए लोगों को कहा गया था कि पीली पट्टी के अगर इस साइड रोड वाली साइड पे अगर व्हीकल खड़ा करेंगे तो उसको टो कर लेंगे, और दुकानदारों से अपील करी थी कि आप अपना सामान अंदर रखें और दुकान के आगे जो रेहड़ी या फड़ी वाला जो दुकान के आगे लग रही है उसको आप अवॉइड करें, उसको आप वहाँ ना लगवाएं, और उसके आगे जो आप ट्रैफिक जो आपके दुकान का कस्टमर है वो आप मैनेज करें कि पीली पट्टी से आगे वो अपना व्हीकल अपना पार्क ना करें, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो रोड है वो आम लोगों के चलने के लिए है, सबसे पहला आम लोगों का उसके चलने के लिए है। तो इसी कड़ी में जो हमारा अगला प्रयास ये रहेगा कि हमारे जो तीन चार हम स्टेप लेने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम जो मार्केट एरियाज हैं वहाँ पे ये देखा गया कि जब शहर में कोई बड़ी गाड़ी घुस आती है तो वो लोडिंग अनलोडिंग दिन में शुरू कर देते हैं जिसके कारण पूरा शहर जाम हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला ये करने जा रहे हैं कि 8 से 8 सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक शहर में जो है हैवी व्हीकल बैन करेंगे, उसके लिए धारा 144 का मॉडल करने जा रहे हैं। ये पहले कई जिलों में हुआ भी है और सिरसा में अब इसको हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी मार्केट एसोसिएशन का, सभी लोगों का चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें इस मामले में। सेकेंडली हम करने जा रहे हैं क्योंकि कई शॉपकीपर जैसे हमारे एमसी के अधिकारी जाके चालान करते हैं जो सामान बाहर रखा होता है, तो उसके अमाउंट है एज पर जो म्यूनसिपल एक्ट है उसमें अमाउंट है 200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का। तो कई जो बड़े दुकानदार हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको कंपाउंडिंग फीस समझ करके डेली बेसिस पे सामान बाहर लगा लेते हैं और 2000 रुपये भर देते हैं, तो ये हमारा डेटरेंस नहीं हो पा रही है। तो जो हमें एक डेटरेंस चाहिए तो उसके लिए हमने ये सोच समझ करके मीटिंग करके आपस में डिसाइड किया है कि हम उनको 3 चांस दे रहे हैं, चौथी बार अगर चलान होगा तो हम उससे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे और दुकान सील करेंगे। सीलिंग तभी खुलेगी जब 25,000 डिपॉजिट करेंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा डेटरेंस हमारी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई ऐसे दुकानदार हैं, तो हम उसके बाद नेक्स्ट चलान 50,000 का करेंगे, और अगर उसके बाद फिर से वो रिपीट कर रहे हैं और ऑफेंस रिपीट हो रहा है तो फिर दुकान सील करके और FIR दर्ज कराई जाएगी, क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा उसके बाद। 3 चांस हम दे रहे हैं कि आप पहले समझ जाएं, उसके बाद फिर हमारा ये एक्शन होगा। और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा, जहाँ कहीं ट्रैफिक में हमारे कारण से रुकावट आ रही है, कहीं रेड लाइट नहीं चल रही है, रेड लाइट के पहले दिक्कत थी, UMC को कह के हमने सभी रेड लाइट्स फंक्शनिंग में लेके आए हैं, कहीं येलो लाइन जो पट्टी हमने पीली पट्टी लगवाई है कहीं वो रोड पे नहीं है, पब्लिक उखड़ गई है या कोई और कारण से दिख नहीं रही है, वो हमें बताएं। हमारे अधिकारी भी सर्वे कर रहे हैं परंतु जनता का भी इसमें हमें सहयोग चाहिए। कहीं आपको लगता है कि सेंट्रल जो डिवाइडर लाइन है वो कहीं डिवाइडर होना चाहिए, मिसिंग है, ग्रिल टेढ़ी हो गई है, क्योंकि कई जगह मैंने खुद देखा ग्रिल टेढ़ी हो गई है, ग्रिल के कारण ही ट्रैफिक काफ़ी व्यवधान हो रहा है। इसके अलावा कहीं बिजली के खंभे बीच में आ गए हैं या किसी ने अपने पर्सनल जनरेटर, क्योंकि ये भी एक कंप्लेंट काफ़ी आई थी कि कई लोगों ने पर्सनल जनरेटर बाहर रखे हुए हैं, उनसे भी अपील रहेगी कि अपने अंदर शिफ्ट करें या अपने अपने छतों पर लेके जाएँ,
कहीं इलेक्ट्रिसिटी पोल पोल जो है बीच में है सड़क के, तो इलेक्ट्रिसिटी के एससी साहब आए हुए हैं, इनके साथ हम आज राउंड भी करेंगे, इनके अधिकारी भी चेक कर रहे हैं। कहीं बीच में जो पब्लिक हेल्थ के जो मैन होल्स बने हुए हैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आ गए हैं और उनका लेवल ऊंचा है जिसके कारण एक तरह से चौराहा सा बन जाता है, तो उसके लिए भी हमारा सर्वे जारी है। इसके लिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोग भी हमें अपने सुझाव दें ताकि हम ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ कर सकें। इससे लाभ जो है सिरसा के लोगों का ही होगा, सिरसा के निवासी इससे ज़्यादा बेनिफिट होंगे। इसके अलावा हमारे जो शहर में जो पहले 3 बैरियर्स थे जो लगे हुए थे उसको हम दोबारा से रीइंफोर्स करने जा रहे हैं। एसपी साहब से हमने अनुरोध किया कि वहाँ पे पुलिसमैन या फिर जो होमगार्ड हैं उनकी तैनाती परमानेंट तौर पे की जाए और एक पुलिसमैन दिन में चक्कर लगाए। ये भी अनुरोध किया गया जो हमारे CCTV कैमरा लगने हैं 3 बैरियर पे जरूर लगे ताकि हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकें, क्योंकि बार बार दिक्कत ये आती है हैवी व्हीकल आके रात के समय उनको तोड़ के चले जाते हैं, ये कई बार हो चुका है, कई बार बैरियर लग चुके हैं, तो इसमें हमारा ये प्रयास रहेगा। इसके अलावा जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन हैं, मार्केट एसोसिएशन हैं, अगर वो कोई सुझाव दोबारा से देना चाहें, हालांकि सफिशेंट मीटिंग हो चुकी है, फिर भी अगर कोई मुझे मिलना चाहे, SP साहब को मिलना चाहे, SDM को मिलना चाहे या UMC के माध्यम से कोई सुझाव भेजना चाहे, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने को तत्पर हैं। आप हमें सुझाव दें। हमारे ऑफिशियल नंबर 8059865100 जो मेरा ऑफिशियल नंबर है, SP साहब का ऑफिशियल नंबर है, उनकी वेबसाइट पे है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सुझाव, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल ईमेल है वेबसाइट पे, वो भी दी हुई है। तो मैं आप सभी का जो प्रेस मीडिया के साथ इसमें कोऑपरेशन चाहूँगा कि आने वाले समय में जब हमारी जो इस मामले की कार्रवाई शुरू होगी तो आप हमें सपोर्ट करें। एक शहर में CCTV लगाने की बात करते हैं, मार्केट से ज़्यादा CCTV कैमराज लगाने की बात चलेगी शहर के अंदर। इसमें इसमें हमने 60 पॉइंट्स जो हैं हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन जगहों को ऑलरेडी चेक कर लिया हमने, टेंडर भी हमने जो कंपनीज थी उनसे कॉल कर लिया है, प्रोसेस हमारा ऑलरेडी इसमें चल रहा है। MP साहब हैं यहाँ के, वो उसमें कॉपरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल बैकअप उनके तरफ से आएगा, इसमें उसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 65 सर, एक गीता भवन वाली गली है उसमें फूड स्ट्रीट है, वो शाम को रेडिया लगती है उसमें, तो शहर के लोग बाजारों में जाते हैं तो उसी वही एक रोड है जो दोनों तरफ से परशुराम चौक से और सदर बाजार से, तो वहाँ सर रेडिया काफ़ी लगती है, इससे पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, क्या उनको भी हटाया जाएगा? जो शहर की जितनी मेन सड़कें हैं उनके लिए जो रेडियाँ लगती हैं उनको रेडियाँ को हटा करके हमने 2-3 जगह को चयन करने के लिए वहाँ पर रेडियाँ हमने लगानी हैं, उनको प्रॉपर जगह दी जाएगी, और फड़ियाँ जो दुकान के आगे फड़ी वगैरह सिस्टम भी है वो भी बंद करना है, क्योंकि काफ़ी जगह जो है रेडी घेर लेती है, तो उसके कारण जो हमारे ट्रैफिक के जो व्यवधान उत्पन्न होता है, क्योंकि पीली पट्टी का हमने ये चाहा है कि पीली पट्टी का जो है सम्मान करें सभी दुकानदार भी और सभी जो ट्रैफिक नियमों का पालन हो, तो रेडी को हम वहाँ से हटाएंगे। यू सब उसके लिए अपना कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं आप लोगों को भी लगे कोई ऐसी जगह है जो कि हम प्राइवेट लोगों से हम ले सकें सरकारी रेट पे, किसी की खाली पड़ी है कोई देना चाहे हमें तो हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसको जो हम नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे गाइड करें। हमने परसों भी देखा था और कल सर, ट्रैफिक को सुधारने के लिए आपने बात कही, तो कुछ चौक मेन चौक ऐसे हैं जहाँ ट्रैफिक के कर्मचारी होमगार्ड खड़े तो होते हैं लेकिन ड्यूटी नहीं निभाते, अपने साइड में बैठे रहते हैं, कुछ जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे आने के बाद हमने सख्त आदेश दिए, मैं खुद पर्सनली जाके हमने चेक भी किया, आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें अब वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाला सिचुएशन नहीं है। जिस तरीके से किसी साहब ने ये सारा हमने सारा महकमा बैठ के जो ये प्लान कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है उसको सुचारू किया जाए, पार्किंग स्पेस बनाया जाए, किस तरीके से मार्केट में मतलब जो दुकानें हैं उनको ठीक किया जाए, और मेन पर्पज़ हमारा ये है कि शहर को ब्यूटीफाई कैसे किया जाए। शहर में सर ऑटो की संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरा वो कोई नियम कायदों का ध्यान भी रखते हैं, सवारी हाथ देते ही वो अचानक रोक देते हैं, उससे कई बार भिड़ंत भी होती है लोगों की, वो लड़ाई झगड़े भगत सिंह चौक है वो ऑटो स्टैंड बन गया है, भगत सिंह चौक भी मैक्सिमम खड़े होते हैं, टीने चला रहे हैं। ये टीनेज वाली मेरी बात मेरे सुनिया में आई थी, उस दिन जो पहले लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मामला उठा था, मैंने उस समय कहा भी था कि हमने SDM को आदेश दिए हैं कि इनके कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई कर दिए हैं,
ये जो आपने संख्या बढ़ने वाली बात ये भी संज्ञान में लाया गया कि हिसार में फतेहाबाद में सख्ती हुई तो इस साइड आ गए चलाने के लिए। तो हमारे जो अभी जैसे हमने ट्रैफिक का बात करी, आपका जो सुझाव ले लिया गया है, SDM साहब को सफिशियंट पुलिस फोर्स SP साहब उपलब्ध करवा देंगे, एक या दो दिन लगा के इनके सबके लाइसेंस चेक कर दिए जाएंगे, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसका तो पहले ही इंफॉर्म कर दिया जाएगा, और वी विल सी कि इनका कहाँ पे हम इनको स्टेशनरी जगह उपलब्ध करवा सकें, क्योंकि हमारे जो ज़िले में जो अगर सिटी की बात करें तो चलने फिरने के लिए बसें उपलब्ध नहीं है, सिटी बस सर्विस पहले चलती थी, BRG अभी तक चलती थी, बंद हो चुकी है, तो अगर हम बिल्कुल ही कहें कि ऑटो बिल्कुल ही बंद कर दें वो संभव नहीं, लेकिन जो जो नियमों का विरोध करके चल रहे हैं, अंडरएज कोई ड्राइविंग कर रहा है या कोई जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग कर रहा है, जिसको नियमों का पता ही नहीं है कैसा बंदा ड्राइविंग कर रहा है, तो वी विल टेक अप कोई एक्शन अगेंस्ट दैट। सर, शहर की सबसे कंजेस्टेड गली है फैशन कैंप वाली, और उसमें कई दुकानदार हैं, उन्होंने स्थायी रूप से कब्जा करके दुकान जाके 10 फुट तक शटर से बाहर स्थायी रूप से उन्होंने लाइन लगा करके कर रखा कब्जा, इसीलिए वहाँ मतलब बाइक निकलना भी मुश्किल है शाम के समय, उसके लिए कुछ करेंगे? जो स्थायी रूप से कब्जे वाले जैसे कई जो चाइनीज फूड वाले जो फास्ट फूड वाले हमने SP साहब ने पिछले दिनों करवाए थे, फैशन कैंप वाली गली मैंने खुद देखी हुई है, तो मैं खुद आपकी बात से एग्री करता हूँ, वहाँ पे हमने ड्रिल करवाई थी, फायर जो हमारा क्विक वाली ड्रिल हुई थी वहाँ पे हुई थी, तो जो पक्के जिनके कब्जे हैं हम उनको वार्निंग दे रहे हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही, कि अपने कब्जे यहाँ पर खुद हटवा लें, वरना हमारी जैसी भी आके तोड़ेगी फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बदनामी भी होगी, हम इसमें कार्रवाई करेंगे, ये सब हमारे JCB लेके पहुँचेंगे और कार्रवाई करेंगे, वहाँ पुलिस वाले खड़े को तोड़ेंगे तो आपकी बदनामी होगी, अपने जितने कब्जे हैं किसी ने जनरेटर वार रख रखा है, किसी ने पक्के खड़े बना रखे हैं, वो अपना अपने आप हटा लें, दैट विल बी बेटर फॉर देम। जो शॉप ओनर्स ओनर्स हैं वो आते ही अपने बाइक्स और स्कूटर्स को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं कि इट इज़ रेंडर्ड यूजलेस फॉर कंज्यूमर्स, तो क्या वो अपने कहीं और नहीं लगा सकते कि ताकि जो टेम्प्रेरी पार्किंग करने के लिए आता है उसके काम बोल जाए उसके पास? ये चीज़ तो जो शॉपकीपर है उनको खुद ही देखना है कि जो कस्टमर उनके पास आ रहा है उनकी गाड़ी पार्क, अगर कोई दूसरा आकर उनके एरिया में लगा रहा है तो उसको मना करें कि भाई आपका जहाँ जिस काम के लिए आ रहे हो आप गाड़ी वहाँ ले जाकर लगाओ। सब दुकानदार अपना हक समझते हैं कि येलो लाइन तक हमारा इलाका हमारा एरिया है, हम अपना सामान भी रख सकते हैं, अपना व्हीकल भी रोक सकते हैं, तो लोग जो आएंगे वो झगड़ा करने में कारू हो जाते हैं। काफ़ी कस्टमर आ रहा है तो उसकी दुकान पर ही तो आ रहा है, ये तो उनको खुद से अवेयर होना है और उनको खुद इम्प्लीमेंट कराना है कि वहाँ पे एक गलत तरीके से अगर कोई बात करके जा रहा है भाई वो ना लगाए, जो कस्टमर उनके पास आ रहा है उनके लिए स्पेस उनको छोड़ना, कस्टमर इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इस चीज़ को उनको